चलो भाई उरुसा की तरफ चलते हैं, दिखाएं स्लाइड। उरुसा ने किससे क्या सीखा? बच्चों में बराबरी। बच्चों में बराबरी तो टाइटल ऐसे वो होते हैं ना। पापा और मामा दोनों हमेशा साथ मिलकर सब कुछ डिसाइड किए, सब कुछ है, लेकिन जो तरबियत एक माँ की हो सकती है, क्योंकि वो घर में, क्योंकि मामा वाज अ होम मेकर, वो घर में ज़्यादा थे और हम लोग रियाद में ही पले बढ़े, तो वहाँ पर तो बिल्कुल भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि मासी हो या जमादार आए, यू हैव टू डू योर वर्क। तो वहाँ पर जैसे ही थोड़े थोड़े हम लोग बढ़ते हैं तो विद यंग एज मामा ने आहिस्ता आहिस्ता हमें हाउस चोर्स दिए, तो ये नहीं था कि ब्रश करना या वैक्यूम करना या बर्तन धोना मेरी ही जिम्मेदारी है और राफे और अनीस की नहीं है। तो हम सब मिलके राय एक बेटी और दो बेटे तो अम्मा कैसे गुजारा करती है एक बेटी के साथ और उसमें ये बेटी और मतलब सोचे ये जिसको वैसे ही काम चोर जो है। तो मामा ने हम सबको तो लिटरली अफतारी मैं बिछा रही हूँ तो राफे उठा रहा है, मैं फ्रूट चाट काट रही हूँ तो रमीज जूस बना रहा है, फला फला फला। दावतों में भी मतलब ये नहीं कि सिर्फ घर में से वैसे ही चार लोग आ रहे हैं तो सिर्फ बेटी सामने काम करे। तो मामा ने ये बड़ा बराबरी रखा। पापा के घर में या मामा घर में इतना ज्यादा वो नहीं था ऑफकोर्स, लेकिन पापा ने कभी कुछ खास वो भी नहीं किया कि बहुत अच्छा है या नहीं है कुछ। हमें अंदर अंदर से होता था कि क्या है, मतलब मुझसे ज़्यादा मेरे भाइयों को कि क्यों हम भी सारा काम करते हैं। बट नाउ अब जब हम बड़े हुए हैं और अब जब नहीं है वो वाली फैसिलिटीज़ जो घर की होती हैं, जैसे भाई बाहर चला गया काम करने के लिए तो उसने खुद अपना खाना पकाना, हाथ कट रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो सब वो खुद संभाल रहा है। तो इसी तरीके से पापा ने कहा कि जब मैं गया था सऊदी अरेबिया फ्रॉम पाकिस्तान तो आई हैड टू लर्न एवरीथिंग बिकॉज हम तो बाबू थे अपने घर के, दो भाई और बाकी 6-7 बहनें, तो ही हैड टू लर्न अ लॉट। और तुम्हारे भाई को क्योंकि अम्मी ने सिखाया तो उसको काम आया। और ये उस जमाने में सोचो उस जमाने में भाई बहनों के लिए भी मतलब ये बहुत कभी मजाक कभी बनता था जिसमें मामा को कभी नहीं लगा कि मेरा मजाक उड़ा। मामा बड़े कॉन्फिडेंटली करी थी कि हाँ मैं तीनों से काम करवाती हूँ, बराबर करवाती हूँ, क्योंकि यही करना चाहिए और ये करना चाहिए। पापा ने कभी कुछ बहुत ज़्यादा उसको वो नहीं किया, लेकिन मैंने दावतों में पापा को भी देखा कि वो भी सब्जी प्याज काट रहे हैं या संडे के संडे ड्राइंग रूम की जो डिटेल प्रो क्लीनिंग होती है ना एक एक वाज पे, तो वो बाबा ने की। लेकिन मामा का ये शुरू से बताती थी कि तुम सब बराबर हो, तुम सबको करना है, तुम सब बराबर। पापा कभी बोलते नहीं थे और ये बोलना जो है ना दैट रियली हेल्प्ड, क्योंकि आज भी हम जिस रिश्ते में हम इतने बड़े बड़े हो गए माशाल्लाह, हम सब शादी कर लिए, हमारे बच्चे हैं अल्लाह का शुक्र, अब्बा ऊपर निकल गए, अल्लाह में उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन अब वो सारी बातें जो है ना और वो सारी ट्रेनिंग जो बराबर हो सब कुछ हो, वो फिर बीवियों के साथ बराबर हुए जब बड़े हुए। फिर हम अपने शौहर के साथ जो है वो सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ घर में ही रहूँगी और तुम्हारा ही काम है ये करना और वो करना, तो वो अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के लिए एम्पैथी होती है ना जब हो गई तो बहुत काम आती है। चाहे हस्बैंड ये रियलाइज करे कि यार ये सारी रात इसने अगर बच्चे संभाले इसको सोने दो मैं खुद चला जाता हूँ, या अगर हाउसवाइफ है वो, या अगर हाउसवाइफ औरत है और वो देख रही है कि मेरा मियाँ डबल डबल ड्यूटीज कर रहा है क्योंकि अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं उसको हेल्प कर सकूँ, तो ये एम्पैथी बहुत जरूरी है।